हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा विटेरा ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो भाई जो ब्रेजा है इसका एक्सीडेंट हुआ है टाटा नेक्सॉन से, तो भाई दोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो शेयर करी है लखविंदर भाई ने। तो भाई अगर आपको भी कोई ऐसी वीडियो शेयर करनी है तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप आराम से कर सकते हो। और वीडियो को देखना एंड तक, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। राम राम भाई, आज हम आपको विटेरा ब्रेजा के बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हम इसको मार्च 2019 से चला रहे हैं और ये लगभग 51,098 किलोमीटर चल चुकी है। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर ये बताएंगे कि इसकी इनबिल्ट क्वालिटी कैसी है, फीचर्स के बारे में और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में फिर कभी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, बैक से कुछ इस तरह की दिखती है। हम आपको इसके फ्रंट की साइड लेकर चलते हैं कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो इसका क्या हाल हुआ, आप देखकर भौचक्के रह जाओगे। तो हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था दरअसल टाटा की नेक्सॉन के साथ, तो उसने इसका क्या कितना बुरा हाल बना दिया, ये देखो आप, पूरा का पूरा बम्पर टूट चुका। उधर से हमें इसको फिर रस्सियों से बांध के लाना पड़ा, वरना ये वहीं पर ही निकल के गिर गया था। तो इसके भाई ने बिल्ट क्वालिटी बताऊं तो कुछ खास नहीं है, और गाड़ी के देखे जैसे टाटा की आ रखी है, हुंडई की है, उनके हिसाब से इसकी इन बिल्ट क्वालिटी कुछ खास नहीं है। इसके दोनों लाइट के हुक टूट चुके हैं, साथ में इसकी नीचे से भी इसका घना बुरा हाल हो चुका। तो भाई बस ये बताएंगे कि एक्सीडेंट के मामले में या फिर छोटे मोटे एक्सीडेंट में कामयाब ना विटेरा ब्रेजा, कोई कुछ कहे पर हम आपको सब सच बता रहे हैं कि आप देखो ना भीतर तक कितना बुरा हाल हो चुका है इसका, और उस टाटा नेक्सॉन का इतना सा भी कुछ नहीं हुआ उसके अंदर, सेफ थी पूरी गाड़ी और ये पूरी टूट चुकी है। बाकी एवरेज के मामले में और वैसे गाड़ी अच्छी है, पैसों के मामले में एवरेज के मामले में, बट इन बिल्ट क्वालिटीज़ की कुछ खास नहीं नज़र आई हमें, क्योंकि इससे पहले भी हमारे कई बार किसी एक बार कुत्ते के साथ एक्सीडेंट हो गया, उसमें कुत्ते में जाल लगी तो इसका दोबारा बम्पर लिकड़ गया था। इस साइड से देखो आप, हम दिखाते हैं ये, बाकी तो सब ठीक है। गाड़ी झटकी एक साइड से, जिस साइड से लगी थी ना पूरी टूट चुकी है, तो इन बिल्ट क्वालिटी के मामले में कुछ खास नहीं है गाड़ी। वैसे ठीक का माइलेज के मामले में, वैसे एसयूवी में अच्छी है, बट अगर एक्सीडेंट हो जाए तो बुरा हाल हो जाता है इसका, क्योंकि ये अंदर की रोड आ गई थी जिसकी वजह से ये बच गई और ये भी बैंड हो चुकी थी। बाकी आप बताओ आप कैसी लगी। तो भाई बिल्ड क्वालिटी आपने देख ली ब्रेजा की। तो भाई नेक्सॉन से एक्सीडेंट हुआ था, भाई ने बताया कि नेक्सॉन में बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई। तो भाई नेक्सॉन तो अपनी 5-स्टार रेटेड गाड़ी है, तो भाई मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप सोच समझ कर गाड़ी लें, माइलेज के चक्कर में ना पड़े, अपनी सेफ्टी भी देखें खुद की। तो ठीक है भाई, इस वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।